श्राद्ध में पितरों का आशीर्वाद कैसे पाया जाए, मकर राशि की बात करें। मकर राशि के जातक, पानी में शंख डालकर आपने स्नान करना है, मिट्टी के कुल्लड़ में जौ भरकर, जौ बहुत महत्वपूर्ण है पितरों के लिए, जौ का बिक्री न करके दूध भरकर आपने चढ़ाना है, तिल के तेल का दीपक देना है, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें, पानी में 5 फल डालकर आप स्नान करें, 5 जोड़ी वस्त्र पिंड पर आप चढ़ाना है, यज्ञोपवीत में चंदन लगाकर आप कुशा से बांधकर चढ़ाएं, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, पानी में सुपारी डालकर आप स्नान करें, पेड़ा मिश्री और इलायची के 26-26 दाने चढ़ाएं, सूत को चंदन में लपेटकर 5 बार आप चढ़ाने, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। गंगा जल छिड़क दीजिए, निश्चित तौर से पितर आएंगे आपके यहाँ, आशीर्वाद देंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और पितृ विसर्जन कैसे? पितृ विसर्जन करने के लिए सबसे पहले मित्रों, जितना जो भी हमने आसन लगाए हैं, जो भी कुछ हमने लगाए हैं, सबसे ऊपर आपने तिल जो छोड़ने हैं, तिल डालते समय आपने ओम अभिरम्यतम नमः के मंत्र का आपने जाप करना है। इस तरीके से आपने सब जगह तिल छोड़ देने और पितृ गायत्री का पाठ करें, ओम देवता पितृभ्यश्च महायोगी भयोच नमः स्वाहा सुधाई नित्यमेव नमो नमः का आप जाप करें, आपको पितरों का आशीर्वाद। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये जो तमाम चीजें आपको बताई हैं उससे हम उम्मीद करते हैं आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिले। एक छोटा सा ब्रेक के बाद